ये देखो ये नेपाली पैसा आ गया मेरे पास। अरे भाई उसमें ना का है चलता दिल भागे ले दीवाना सहिया साल मैं ना लाल दिल। हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को एल्बम का शूट होने के लिए आज जा रहा हूं मैं नेपाल रक्सौल की तरफ जा रहा हूं। यहां से जाऊंगा मैं मधुबनी, मधुबनी से फिर दरभंगा, दरभंगा से फिर मोतिहारी की तरफ होते हुए सीतामढ़ी से होते होते रक्सौल। ओके तो रक्सौल से फिर कहां जाएंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं देखते हैं सफर कैसे कटता है हमारा। उधर ये रही मम्मी, मम्मी जा रहे हम। तू ऐसे दुखी हो तो फिर हम टूट जाएंगे भाई, हमारी मारी हंस दी तो फिर दुनिया का कोई भी किला तुम्हारा बेटा तोड़ देगा। ये रहा मेरा लगेज और चलते हैं निकलते हैं, बाइक से जा रहे हैं अभी फिलहाल मधुबनी, मधुबनी से फिर लेके आ जाएगा एक चाचा का लड़का जा रहा है वही लेके आ जाएगा। ठीक है तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं मेरा आज का सफर कैसा रहता है, और हो सके तो इंटरटेनमेंट तो होता रहेगा मेरा प्यारा सा ब्लॉग में। बन रही आप लोग हमारे साथ, चलते हैं रक्सौल, इसके बाद फिर मिलते हैं और आप लोग को मिलवाते हैं कौन आने वाली है मेरे एल्बम में लड़की के भेष में। तो चलो चलते हैं, बन रही हमारे साथ, इंजॉय करते रहिए प्यारा सा ब्लॉग। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम मधुबनी। यहां से एक मधुबनी में महिला कॉलेज के बगल में एक कपड़ा लिया था, ठीक है ये पैंट लिया था, कमर में छोटा हो गया यार, मतलब कल मुझे पता चला कि मेरा कमर जो है 30 हो गया साले तू। तो आज से मतलब ठीक है, 28 था क्या? हां 28 था, एक लड़की से प्यार हुआ फिर 30 बढ़ गया। चलो भाई लेते हैं, जल्दी दीजिए भैया थोड़ा। हाँ ट्रेन है 11:30 बजे, ठीक है यहाँ से दरभंगा निकलना है इंटरसिटी पकड़ के, इसके बाद फिर वहाँ से दरभंगा से फिर रक्सौल। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हम मधुबनी स्टेशन, और ये रहा लड़का है, आराम से जाना गाड़ी से, ठीक है हेलमेट सेफ्टी अपना है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं इंटरसिटी पकड़ते हैं 11:30 बजे, अभी बस 10 मिनट बाकी है, 10 से 20 मिनट पकड़ते इसका निकलते हैं सीधा दरभंगा के लिए, ठीक है बन रही आप लोग हमारे साथ निकल। की करबी पाई है, पढ़ाई करै छी नहि करै छी किया, घर कतौ, घर कहाँ पे है, घर घर तुम्हारे कहाँ पे, कितना रुपया चाहिए, 5 रुपया, 5 रुपया क्या करेगा, बिस्कुट खाना है, हैं ऊपर आओ ट्रेन पे आओ, ट्रेन पे, ट्रेन पे नहीं आओगे, मैं नहीं पकड़ूंगा आज, हैं नहीं आओगे तो ट्रेन पे आओगे तो मैं दूंगा। पैसा मांग रहे बच्चा है, थोड़ा सा ज्यादा हम ही गरीब छे, थोड़ा सा ज्यादा गरीब छे, दे चुरू की करी उपाय से बोले बता। अच्छा कैसे मैं लाइव गए की करी उपाय, कौन बिस्कुट खेबी, हाँ ड्रीम लाइट, हाँ ले पैसा ले ले के ले। अब टीटी दारू तारू से आना। तो गाइस मेरे पास टिकट नहीं है, ठीक है वो देखो टीटी आ रहे हैं, अब मेरी अक्की बक्की सक्की सब निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई टिकट बना लेंगे तुरंत आने दो। तो गाइस अभी हम दरभंगा स्टेशन में बैठे हुए हैं, ठीक है वहाँ पे सर आ गए, हेलो सर, रोम रोम भाइयो, ओरिजिनल टिकट कह गए, एक और टिकट वो दरभंगा, एक और है मेरे पास, 2 टिकट बच गया भाई, ये दूसरा टिकट है। तो फाइनली गाइस 3 बज गया, ठीक है ट्रेन भी आ गई रक्सौल के लिए, ये लगा है उस तरफ, तो चलो चलते हैं रक्सौल, वहाँ से फिर दिखाते हैं आप लोगों को कौन है मेरे एल्बम में जो आएगी लड़की के रूप में, वो तो कौन है लड़का या लड़की वो जो आएगी, चलो दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम ट्रेन में बैठ के यहाँ पे देखो सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग हेलो कर दे, हेलो सब लोग जानते हैं, मतलब अचानक अब इन सब के मतलब एक चीज होगा क्या पता है, मेरे पास टिकट नहीं है, अब हम बैठे हैं स्लीपर में भाई, अब क्या होगा सबको पकड़ेगा। चलो देखते हैं सफर कैसा रहता है रक्सौल, रक्सौल यहाँ से लगभग 3 घंटा लगता है जाने में, ठीक है मैंने उसे उसको इतना देखा, देखते हैं कैसा रहता है। A few moments later. तो फाइनली गाइस पहुंच गए सीतामढ़ी, ये सब सीतामढ़ी है ना, तो जाइए आप लोग, ठीक है ये सीतामढ़ी का है, हम जा रहे हैं रक्सौल, ठीक है बाय, चलो भाई चलते हैं हम, ये ठीक है।
तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम रक्सौल, वोरा रक्सौल। मुझे आज पता चला भाई रक्सौल में भोजपुरी बोला जाता है, वैसे हम फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे भैया से मिल गए हैं। ठीक है, ये सबसे यहाँ पे मयूरी चलाते हैं, चलो चलते हैं यहाँ से बॉर्डर से फिर दूसरा नेपाली बस पकड़ा पड़ेगा, नेपाली ऑटो। चलो चलते हैं फिर। ठीक है, तो गाइस एक्चुअली हम जा रहे हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल में करेंसी कुछ अलग चलता है और भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा भी है तो चेंज कर लेते हैं, इसके बाद फिर निकलते हैं नेपाल की तरफ। आ जाओ इधर चेंज करवा। चलो चेंज करवाते हैं, पैसा ही पैसा यहाँ पे रखा है, बहुत चेंज करवाते भैया। चेंज करता पैसा चेंज कराता वो सिस्टम पार देंगे। हमसे हम भोजपुरी भी नहीं बोला। तो गाइस ये देखो, ये नेपाली पैसा आ गया मेरे पास। अरे भाई उसको मत करो, का है चलता तन चलो। भाई वीडियो बना रहे हैं खुद का तो ये मना कर गया। तो फाइनली गाइस हम लोग बॉर्डर पार कर लिए और साथ में भैया जा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर है लेकिन भैया हेल्प कर रहे हैं मुझे, थैंक यू भैया। और इधर देखो ये शायद नेपाल का कुछ है। ठीक है, पास में जाके दिखाते हैं। अभी हम बॉर्डर पार कर रहे हैं पैदल। ठीक है, क्योंकि पैदल ही इतना दूर आया जाता है, फिर वहाँ पे नेपाली ऑटो पकड़ेंगे। ठीक है, चलो पकड़ते हैं, भैया पकड़वा देते हैं। और हम इंडियन करेंसी जब ले रहे थे ना, सॉरी नेपाली करेंसी, तब वहाँ पे डांट रहे थे कि वीडियो नहीं बनाओ। ठीक है, तो वो चुपके चाप बना लिया। चलो चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ लें। पहले गए बैठ गए नेपाल के मयूरी में। ठीक है, ये नेपाली मयूरी है। तो चलो चलते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों को, कौन है मेरे एल्बम में जो एक्ट्रेस है वो कौन है, मिलवाते। वो आ रही है, अभी टाइम लगेगा उनको आने में। ठीक है, मिलवाते हैं आप लोग, बन रही है आप लोग हमारे साथ। ला 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 ला। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम सीधा आप लोगों को दिखा रहे हैं स्टूडियो में। ठीक है, स्टूडियो सीधा पहुंच गए और ये हमारे साथ भैया एक है, भरत भैया। ठीक है, भरत भैया नहीं नाम है, भरत नाम है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। बन रही है आप लोग हमारे साथ, जो एक्ट्रेस है ना उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को, कौन है कौन नहीं है। बाकी ये नेपाल में है अभी भी, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो बिहार के पास में है वही नेपाल। अजीब सी लग रही है यहाँ पे, अजीब एक चीज लग रही है, मोबाइल में नेटवर्क इधर उधर करने में पकड़ रहा है, इसके चलते लग रहा है अपने देश में नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है, बन रही है भरोसा। जैसे कि मैं बता दूं, अभी हम है घंटाघर के पास में, ये नेपाल का घंटाघर है जो कि रक्सौल के पास में ही है। ठीक है, और ये हमारे साथ राहुल भैया जो कि मैनेज कर रहे हैं गाना का। ठीक है, वो छोड़िए, बोले तो वो जो एक्ट्रेस है वो आ गई है, तो उसको बैठा के मोटरसाइकिल पर लेके चले गए हम लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं, चलो दिखाते हैं कौन है कौन। वो हूर परी है जो मेरे ये सेकंड एल्बम में आ रही है, प्यारी सी लाडली सी मॉडल। चलो दिखाते हैं आप लोग। ठीक है, हेलो भैया, मतलब जब से ये दोनों आए हैं तब से हम लोग को भूल गए ना। हेलो, अरे हेलमेट वाले भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये है आपका नाम क्या है जी आपका? अलीसा जी। आय हाय हाय रूपावा नूरानी नथिया डलले बड़। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं पता क्या नाम है भैया इनका। तो अलीसा है ना, मैं तो वही बोला ही था। जानते ही होंगे इनको, सन्नू भैया है ना, सन्नू कुमार मुस्कान, वो गाना एक मुझे बहुत मेरा फेवरेट है वो गाना। नहीं वो मुझे वो फेवरेट नहीं है, मुझे अच्छा। चलिए चलिए आप लोग चलिए भरिए। मारो, चलो मिल के मारे। चलो चलो भाई मारते हैं इसको। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए स्टूडियो और ये इधर एक मॉडल है ना, रूपवान नूरानी नथिया डलले बडेरा, इन दोनों के लेके आए वो, उसको तो मारेंगे भाई कुछ टाइम बाद। जब से लड़की आई ना तब से हम लोग को बोल गए, हम दोनों आए पैदल यहाँ तक। और बताइए सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, बढ़िया क्या बताया, पैदल आया, दुख लगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकल। अभी बोल रहे थे व्हाट्सएप पे कि मतलब हम गुम खाते सच में खाते, हम क्या बोल रहे थे भैया आएंगे भैया हमरो से फनी छे की, ऊपर से मैथिली बजे थे क्या की यो छे
मधुबनी के आसपास तो मधुबनी सटले छे उल्टा उल्टा बाबू उल्टा कहा गले मतलब मधुबनी और कहाँ से आप राजबिहार से दोनों पास में ही है ठीक है मधुबनी से सटा हुआ है तो मैथिली चलता है अब बाद बाकी तो ये रही अलीसा जी जो कि इनको देखे ही होंगे सन्नू भैया के साथ ये वाला गाना है मुस्कान में यहाँ के जादू के छिपल दिल भागे ले दीवाना जहिया सनैना लरल दिल भागे ले दीवाना जहिया सन ये वाला गाना हमारा फेवरेट है वो सन्नू भैया का गाना है मतलब वो जो पहले जो गाना गाबै छलै ना उ सब हमारा बहुत निक लागल आब जे जेना वैरायटी अलग भऽ जाइ छै ओइ दुआरे तू सब छोड़ू जेनरेशन अनुसार चेंज हाँ जेनरेशन अनुसार मैथिली कुछ बजियो मैथिली में हाँ बजियो नहीं कन बुझियो दिल के हाल हम के करे और अच्छा अहाँ के नाम की है अलीसा एलिसा नमे में चंदा गूगल बारे छत पाउडा तानी सपना मतलब नाम जे हॉस्टल तुम हवा से मोतिया झरेला आ रियल रियल अरे रियल रसन जो भैया थे ना ओमे मैडम के रोल आके बड़ निकला लगा अब बालवीर के बजियो रहे थे अगर बजियो बालवीर के बजियो आखिर हम ब्लॉगिंग कर रहल छी फ्लॉट कर रहल छी तो बोला बालवीर के बजियो चलो भाई इनके साथ ही सूट है जो कि मेरा सेकंड सॉन्ग है मैं उसका सुर नहीं बता सकता हूँ बस ये बता सकता हूँ उसका क्या है तू विकाए वाली रह तू हम किन ले तू हाँ आज बाजार में वो सॉन्ग है ठीक है तो आएगा कितनी ऑसम है आएगा कब तक आएगा वो हमें पता नहीं है वो उस सब पे डिपेंड है ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है उसको बोलना है कर लो भैया कुछ बोलना है तो गाइस काला ना आप लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं मेरे गुरु जी को और एक बात हम बताने चाहते हैं मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ भैया को भी प्यार बहुत देते हैं आप लोग पेट निकला हुआ दिख रहा है 9 महीने का बच्चा होगा बोलना ये चाहते थे कि अभी हम रोशन जी को भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि उनके तो आज गुड्डू जी को तो हम इनका फैन है ब्लॉगिंग स्टूडियो में लगा झूठ बोलिए झूठ बोलिए झूठ बोल रहे हैं आपको अभी दिखा देंगे यूट्यूब में आपका सब वीडियो हाथ दर्द कर रहा है इसीलिए तो आपका भाभी का जैसे आप दिए थे उसी हिसाब से आपको गिल करके दिए डेरी मिल्क हाँ तो पूरा देखो डेरी मिल्क है ये देखो क्या तो अरे भाई चलो भैया हम लोग यही पे एंड करते हैं कल मिलते हैं अच्छा से हम लोग शूट करेंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को और गाना तरह का सुर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सब अरे पहले रिलीज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा अभी गड़बड़ हो जाए गद्दारी करबे ना गद्दारी करबे मिलते हैं नेक्स्ट लव यू ऑल बाय